अरिहंता नमो सिद्धानं नमो वज्जायानं नमो लोहि सबसा नमः शमय साराय जय स्वाय हेलो चेतन चिंतामणि नाम की है अतुकान कविता। कैसा हूं मैं, कैसा हैं आप? हे भवे जान, क्या जान कि अरस होने पर भी सरस जान। क्या बोला? अरस होने पर भी सरस जान। पंडित साहब कहते हैं अरस का है, नीरस नहीं का। भगवान आत्मा कैसा है? अरस का, नीरस नहीं का। नीरस भी तो कह सकते थे, नीरस भी तो कह सकते थे, अरस क्यों कहा? अरस और नीरस का अर्थ तो एक ही है, कोई रस नहीं है। लेकिन नीरस नहीं कहा। क्या कह रहे हैं देखो जोरदार, अरस होने पर भी, इसमें पौद्गलिक रसों से रहित अरस होने पर भी, पौद्गलिक रसों से रहित होने पर। चर्चा तो बहुत ही बड़ी है, इसको लेंगे तो 20 घंटे लग जाएंगे। इसके लिए आप अलिंग ग्रंथ के 20 बोल हैं जिस पर गुरुदेव के प्रवचन है, पुस्तक है पूरी, उसे सुनना। यदि आपको मजे लेना है, आनंद लेना है तो उसको उसको सुनना। पौद्गलिक रसों से रहित, ध्यान से सुनना, पौद्गलिक रस अकेला नहीं कहना है वहां पर। पौद्गल में स्पर्श रस गंध वर्ण है ना, ये पाई जाती है। तो पौद्गलिक, जब पौद्गलिक रस का निषेध कर रहे हैं तो वहां स्पर्श का भी निषेध कर रहे हैं, गंध का भी निषेध कर रहे हैं, वर्ण का भी निषेध कर रहे हैं। क्यों? कि सचमुच आत्मा में पौद्गल का कुछ नहीं है। फिर से सुनना, पुद्गल का कुछ नहीं है, इससे क्या दिक्कत है? मेरे में मेरे सेवा गुंजाइश कहां है? मेरे मेरे में मेरे वैभव के सिवाय गुंजाइश कहां है? और गुंजाइश तो छोड़, जरूरत कहां है? क्या दूसरों का माल तुम्हारे घर में क्यों नहीं मिलता मुकेश? दूसरों का माल, हमें किसी के माल की जरूरत नहीं। हम दूसरों का माल अपने घर में क्यों रखेंगे? ऐसे पुद्गल का स्पर्श रस गंध वर्ण हमारे में नहीं है। विश्लेषण करेंगे, एक बहुत बड़ा बम पटका है। क्या करके आपको तो लग रहा है ठीक है आत्मा में रस नहीं, जिसके लिए डॉक्टर साहब ने लिखा है मैं ज्ञानानंद रस है ना, ज्ञानानंद में मैं अरस अरूपी अस्पर्शी पर से कुछ भी। तो ये लाइन बहुत काम की है, इतना सनी समझ ने पुद्गल के रस का निषेध कर दिया।
अनादिकाल से इस जीव ने पुद्गल को देखा है और वहीं सुख ढूंढता है, और कोई की बात नहीं चल रही है, समझ गए? बोलो बोलो, कपड़ा कौन से रंग का अच्छा लगता है जब तुम्हें मजा आता है? आत्मा में मजा लाने के लिए कौन से रंग का कपड़ा पहनना चाहिए? अरे चाहे जैसे दर्द पहन लोगे, अरे आज मजा आ गया, इसका मतलब तू स्पर्श और रस में, रंग में, वर्ण में आनंद मानता है। कठोर स्पर्श का कपड़ा हो, रफ एंड टफ, एकदम सॉफ्ट, पटी जी पुद्गल नहीं सुखी होता, ध्यान रखना। पुद्गल में सुख नाम का गुण नहीं है और पुद्गल को सुख की जरूरत भी नहीं है, लेकिन तू पुद्गल को जानते ही पहले ध्यान से सुनना, मैं रुक रहा हूं बीच में। आत्मा का पूरे विश्व के साथ केवल एक संबंध है, ओनली 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 एक संबंध है, वो है कौन सा? गे गया है। कौन सा? गे गया है। कौन सा? गे गया है। अभी ये है ना, ये पुद्गल इसके साथ भी मेरा केवल एक संबंध है, वो है गे गया है। अब गे गया है को तू नहीं जानता, ये मिथ्या है। गे गया है को नहीं मानता, ये मिथ्या है। हाथ सॉफ्ट होते कितना मजा आता है क्या? और अरे यार क्या बताएं, वो क्या बताएं, हे आत्मा तू स्पर्श को जान के सुखी दुखी क्यों हो रहा है? ध्यान रखना, बहुत बड़ी मेहनत समझ में आ रही होगी आपको। टेस्टी भोजन मजा आ गया, अब सब में लगा रहे ना, ये मेरा दो चार नाम है। सुंदर मकान क्यों? मकान किस काम आता है? मकान किस काम आता है? रहना है, सोना है, सो जाओ, और काय के लिए आता है? लेकिन नहीं पंडित जी, 50 लाख का मकान और 1,60,00,000 का, नहीं तो जितना तुम समझ रहे हो, इतने लाख का तो एलिवेशन। कई बार एलिवेशन में ज्यादा पैसा लग जाता है क्या? दूर से लगना चाहिए, दिखना चाहिए भव्य इमारत। क्या कह रहे, मुझे ज्यादा नहीं कुछ कहना है, समझ में आ रही भी रहे? हम देख करके सुख लेना चाहते हैं, समझ गए? यहाँ कह रहे उसकी जरूरत नहीं है। आत्मा बिना पुद्गल के जाने भी आनंद में रह सकता है। धीरे धीरे बोला मैंने, आत्मा बिना पुद्गल को जाने भी आनंद में रह सकता है, क्योंकि आनंद में रहने के लिए वो खराब भाषा नहीं, गुरुदेव ने जो बोली वही भाषा बोल रहा हूँ, वो अपंग नहीं है। समझ में आया? अपंग तो समझते ना, समझ में आया कुछ? आत्मा विकलांग नहीं है। विकलांग किसे कहते हैं? जो चलने के लिए सहारा लेता है, सुनने के लिए सहारा लेता है, समझ गए? तुम लोग विकलांग हो कि सकलांग? झूठ नहीं बोलो, सही बोलो, बोलो, अरे बोलो ना। तुम्हारा विकलांगपना मिटाना है मान्यता का, वो मान्यता का काय का मान्यता का विकलांगपना ये है, जब तक मोबाइल नहीं सुनता हूं तो सुखी नहीं हो सकता। बड़ी आफत की बात कह रही, क्यों? बिना मोबाइल के सुखी हो सकते हो? जीवन भर सिद्धालय में रहोगे अनंत काल। मुनिराज बिना मोबाइल के सुखी है। पशु पक्षियों को इसीलिए बीमारी नहीं हो रही कि वो मोबाइल से दूर है, आपको तो पता होगा, मैं ज्यादा बड़ी बात नहीं कहना है। गोरैया नाम का पक्षी इसलिए समाप्त होता जा रहा है पृथ्वी पर से, केवल ये तुम्हारे टॉवर लगने से। गोरैया देखी तुम लोगों ने? गोरैया देखी है? मुझे तो अभी तक नहीं दिखाई थी तुम्हारे पास पड़ा, मुझे तो वहां दिखाई दी थी तुम्हारी, क्या नाम है, द्रोणागिर में, द्रोणागिर में मुझे दिखी थी गोरैया, और कहीं गोरैया नहीं दिखी, समझ गए? पक्षी है ना जी, दिखाई तुम्हारे इनके चक्कर में मोबाइल टॉवर से इतने इतने मर गए लोग। खैर अपनी बात वापस आओ, तुम कहती हो हम मोबाइल के बिना सुखी नहीं रह सकते, जब तक तुम्हारी ये मान्यता है सम्यक दर्शन नहीं होगा, क्योंकि तुझे ध्रुव के बारे में पता ही नहीं। ध्रुव की जानकारी होगी, फिर से सुनना चाहिए, बड़ी लड़ाई बात कर रहा हूँ आज, भयंकर लड़ाई चलेगी। हम ध्रुव की जानकारी से
तर्क से सुखी होते, पॉइंट नोट किया जाए, तर्क से मैं ध्रुव ही हूँ, पर्याय ऐसी जो जो मैं बता सकूँ ना वो सारे तर्क। अरे प्रभु मुझे सुखी होने के लिए मैं चाहिए, मैं माने अहम, मैं मतलब बताओ, अब समझ में तो कम ही आएगा फिर भी समझाता हूँ, बताओ पत्नी को सुखी होने के लिए क्या क्या चाहिए, जल्दी बोलो, बहुत सरल है। अरे बोलो जोर से बोलो, क्या दिक्कत है, पति और कुछ, झूठ है आजकल, पति अकेला मिल जाए, मोबाइल नहीं मिले फिर देखो। अब हमारा दृष्टांत बदलना पड़ेगा क्या? अरे भले स्त्री को स्वागत होने के लिए मात्र पति चाहिए, लेकिन लेकिन अब लेकिन लग गया, हाँ इनसे क्या करेंगे जी, हार मार से मोबाइल के बिना टाइम कैसे कटेगा। अब एक मोबाइल का ना ऐसे पांच इंद्री लगाने, हाँ पांच इंद्री के पैसे लगाना, मुझे ज्यादा लंबा नहीं खींचना, मुझे तो ये बताना है प्रभु, बहुत बड़ा पंप पटका है भगवान आत्मा, अरस जान अरस जान अरस जान, पौद्गलिक रस से का अभाव होने से अरस जान, लेकिन स्वभाव से सरस जान। नीरस नहीं कहा, नीरस नहीं कहा, तुम मेहनत करो भाई इस लाइन पे, मैं कह ही सकता हूँ, मैं और कुछ नहीं कह सकता हूँ। अभी तुम्हें लगता है पंडित जी कैसी नीरस जिंदगी जा रही है, तुम ऐसे एरिया में चले जाओ मुकेश, ना कवरेज एरिया ना हो, समझ ना कवरेज एरिया क्या कहलाता है, मोबाइल के टॉवर नहीं मिलते, नेट नहीं मिलता, ठीक है, कैसा लगेगा वहां जीवन, जंगल में एक मोबाइल जंगल में क्या बना देता है, स्वर्ग बना देता है, मोबाइल नहीं हो तो क्यों, तुम्हें कश्मीर कैसा लगेगा, कश्मीर भेजने तो अरे शाम मजा आ जाएगा, लेकिन वहां खाना पीना कुछ नहीं है, उपवास रखना है। क्या गजब है, हमें वो कश्मीर जाकर के भी यदि खाना पीना ना हो, संगीत ना हो, नाचना कूदना ना हो, बातचीत नहीं हो तो नीरस लगता है। सुन प्रभु सुन, बहुत जम के एक अच्छी बात कह रहा हूँ, आत्मा के सुख रस स्वभाव रस ज्ञान रस चैतन्य रस के अलावा इस विश्व में कहीं रस नहीं है, इसीलिए तुझे वहां नीरस लगता है, और आत्मा उन सब के बिना भी सरस है। कुछ बोला मैंने, कश्मीर में अच्छा क्यों नहीं लग रहा, तुम अच्छा नाम सुना ना तुम्हें कश्मीर, और भेज दें तो दुखी क्यों हो रहे हो, कि फिर सब हम करेंगे क्या, खाएंगे नहीं, हंसेंगे नहीं, बोलेंगे नहीं, मोबाइल नहीं, डांस नहीं, पिकनिक में क्या किया जाता है। जब तक मस्ती नहीं करी तो हम कह रहे नहीं, यदि कश्मीर में आनंद मानते हो ऐसे हर जगह लगा लेना, मोबाइल में आनंद है तो ठीक है चलाओगे नहीं लेकिन रखोगे। बोलो हमारे वो भैया है ना सबके मोबाइल लिए बैठे हैं, तो इस समय सबसे ज्यादा पुण्य होता है उनका है, क्योंकि इतने मोबाइल किसी के पास नहीं है लेकिन चला नहीं सकते। तो आनंद क्या है बोलो, फिर से सुनना ध्यान से, मैं बाकी को रिपीट कर रहा हूं, आत्मा सरस है, सचमुच पूरे विश्व में नीरसता है, रस होने पर भी नीरस है, पुद्गल रस होने पर भी नीरस है, क्या कह रहा हूं, पुद्गल रस होने पर भी, रस तो समझ गए मीठा नमकीन होते तुम्हारा स्पर्श रस का अनुमान, वो है ना, होने पर भी नीरस है, और आत्मा इन सब के बिना भी सरस है। पंडित साहब कहते थे अरस कहा नीरस नहीं कहा। अब मैं थोड़ा आगे चलता हूँ, पहले व्यवहारिक दृष्टांत दूंगा फिर मुनिराजों के दृष्टांत दूंगा, ठीक है रेडी, जरा ध्यान से सुनो। एक स्त्री 25 साल की है और उसका पति एक्सपायर हो गया, पति बड़ा सुंदर था, बहुत लायक था, बहुत गुणवान था, बहुत कमाता था, उसका भाव भाव व्यवहार आचरण कैरेक्टर सब कुछ बहुत अच्छा था, वो पति एक्सपायर हो गया, एक्सपायर होने पर भी वो अरब रुपये छोड़ के गया, महल छोड़ के गया, सब सामग्री छोड़ के गया, और उसी के मरण के उपलक्ष में मिठाइयां भी बनी है, बनती नहीं बनती हो क्या, समझ गए, मिठाइयां भी बनी, इतनी टेस्टी मिठाई बनी इससे पहले कभी नहीं बनी इतनी अच्छी। अब मेरा प्रश्न है तुम सबसे, उस विधवा को रसगुल्ले में रस आएगा या नहीं आएगा,
क्यों नहीं आएगा? जवान खराब हो गई क्या? बोलो, अरे बोलो, क्यों नहीं आएगा प्रश्न है मेरा। उसे सोने चांदी के आभूषण दिखाओ, बढ़िया बढ़िया रंगीन वस्त्र दिखाओ, अच्छे से अच्छा कमरा दिखाओ, एसी वाला कमरा बढ़िया। बोलो उसे रस आएगा या नहीं? पक्का? मेरा दृष्टांत सिद्ध हो गया। अरे वहां रस नहीं था ना, इसलिए नहीं रस हुआ। अब मुइजाजो के एग्जांपल बोलो, बहुत उपसर्ग होने पर भी, परिचय होने पर भी मुइजाज सरस हैं कि नीरस हैं? अब बोलो, इसका मतलब आत्मा सरस है। आत्मा के आनंद के लिए बाहर का कोई पदार्थ नहीं चाहिए, पांच इंद्रिय का कोई विषय भोग नहीं चाहिए। फिर से बोल रहा हूँ, कुछ पांच इंद्रिय के विषय भोग नहीं चाहिए। भजन दे के बोला मैंने कुछ, फिर से बोलूं, मिथ्या दृष्टि पांच इंद्रिय के विषय त्याग करके सरसता ढूंढता है, और हम कह रहे हैं सरस पाने के बाद छूटता है। चंद भाई समझ में आया कुछ? फिर से सुनना शीतल, फिर से पूछूंगा प्रथमेश, पकड़ना ये बात है, पकड़ना सभी लोग। फिर से हमारे मित्र पक्ष में ये चर्चाएं होती हैं, त्यागने से धर्म होगा। वे त्याग करके सरसता ढूंढ रहे हैं तो सरसता नहीं मिलेगी, छोड़ने से सरसता नहीं मिलेगी, छोड़ने से सुख नहीं मिलेगा, छोड़ने से ज्ञान दर्शन चारित्र नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। करके देख लो आप, यदि मोबाइल त्यागने से आनंद आ जाए तो एक काम करो, छोड़ के देख लो, आप भी परेशान हो जाओगे। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप पत्नी का त्याग करो, मैं नहीं कह रहा हूँ मोबाइल छोड़ो जी, क्या क्या सब खान पान छोड़ो, कुछ मत छोड़ो। पहले एक बार कितना निर्णय करो कि आत्मा स्वभाव से सरस है, जब सरस का आनंद आएगा। अब दृष्टांत दे सकती हूँ, और तो कुछ उपाय नहीं, हम क्या करें? बोलो भाई, दूल्हा दुल्हन के गले में वरमाला डाल रहा है, जिस समय यह डलवा रहा है उसी समय उसकी मोबाइल की घंटी बज जाए तो उसे अच्छा लगेगा कि बुरा लगेगा? तो मोबाइल खोलेगा, रुको रुको रुको, क्या करेगा? बोलो अरे उस समय मोबाइल इसलिए नहीं रखता है क्योंकि मिलन हो रहा है, वरमाला डल रही है ना, मिलना हो रहा है तो मोबाइल नहीं चलाता, मोबाइल खटकता है। ऐसे ही जब शुद्धोपयोग होता है तो पांच इंद्रिय के विषय बोलो अच्छे लगते हैं कि खटकते हैं? आनंद हो तो खटकते, पॉइंट क्या बोल रहा हूं, जो भगवान आत्मा में आनंद है, सरसता है। मैं जान रहा हूं बहुत कठिन प्रवचन है ये, बहुत कठिन क्यों पड़ रहा है कि हमने एक बार भी नहीं सोचा कि इनके बिना हम जी सकते। और मैं कह रहा हूं कि आत्मा के लिए किसी की जरूरत नहीं। स्वामी जी की भाषा फिर याद दिला रहा हूं, जो इसी में लिखी है आलिंगन के बोल के प्रवचन में, आत्मा विकलांग नहीं है, आत्मा जानने के लिए विकलांग नहीं है। रुक गया डॉक्टर, बोल बेटे, आंख के बिना देख सकते हो? बोल वीरेन, कान के बिना सुन सकते हो? है ना, नहीं सुन सकते ना, अरे बोलो ना, क्यों बिना कान के सुन सकते हो? क्यों तुम इस वक्त कान से सुन रहे हो कि नाक से? जोर से बोलो। अब पढ़ना ही बिल्कुल लिखा है उसमें, ओहो जो ये मानते हैं आत्मा कान से जानता है, उन्हें सिद्धों का भी स्वरूप नहीं मालूम और आत्मा का स्वरूप भी नहीं मालूम। बोलो सिद्ध भगवान के कान है कि नहीं? तो फिर तो जानते ही नहीं होंगे। क्यों सिद्ध भगवान को पांच इंद्रिय नहीं तो जानते ही नहीं होंगे कि नहीं? जानते हैं। यदि सिद्ध भगवान जान सकते हैं पांच इंद्रियों के बिना, तो मैं भी जान सकता हूँ। जान नहीं सकता हूँ, पूरा करो। अभी पूरी ताकत कहाँ लग रही पता है? पूरी ताकत 25 साल पढ़ाई करी काय के लिए? कमाई के लिए। कमाई काय के लिए? 25 साल कमाई 25 साल और 25 साल पढ़ाई 25 साल कमाई काय के लिए? जितना ज्यादा पैसा कमाऊंगा उतना सुविधाओं को खरीदूंगा, उतना बढ़िया घर बंगला कार ये वो मोबाइल उतनी क्वालिटी का। काय के लिए कमा रहे हो? कमा रहे वो प्रश्न है क्यों?
क्योंकि हमने 100% मान रखा है कि हमारा सुख सुविधाओं में है, और सुविधाएं कमाई से आएंगी, और कमाई पढ़ाई से होगी, तो हमारा 50 साल 60 साल पूरा का पूरा मिथ्यात में चला गया। कुछ कह रहा हूँ, मिथ्यात में चला गया कह रहा हूँ। आत्मा को सुविधाएं नहीं चाहिए थी, आत्मा को स्वभाव का भान चाहिए था। क्या बोल गया, जल्दी बोलो, क्या बोला? स्वभाव का भान चाहिए तो मुझे जरूरत ही नहीं है, मुझे मोबाइल की, मोबाइल में शब्द 5 इंद्रियों के विषयों की, फिर से सुनो, ऐसे स्वभाव को जानने वाले को त्याग होता है, 5 इंद्रियों के विषयों का त्याग होता है, क्योंकि जरूरत ही नहीं। हाँ, मिथ्यात बोलो धनबाजी, मिथ्यात बोलो। 5 इंद्रियों के विषयों से सुख मानता हूं तब तो इकट्ठे कर रही, तब तो कमाने भाग रहे हैं जबरदस्ती, और काहे की जा रहे हो, मुकेश काहे की पोषण में चली गई जिंदगी? अरे बोलो नहीं, बोले अच्छा अच्छा नाम बोलो उसको, बदनाम करने वाला। हाँ अच्छा। चलो आगे चलो। तो आत्मा स्वभाव से सरस है। दिगंबर मुनिराज जी, नहीं तुम भी अभी आंख के बिना ही जान रहे हो, कान के बिना, ये पढ़ा चुका हूं पहले, याद होगा आपको, आत्मा कान से नहीं ज्ञान से जानता है, पहले पढ़ा चुके, इसलिए उसकी चर्चा भी नहीं करेंगे। देखो फिर बाबा कैसा है, परम सरस है, सहज तृप्ति स्वरूप है। हाँ क्या बोला, सहज तृप्ति स्वरूप है। रुक गया मैं, ताकि आपका फोकस मेरी ओर बिल्कुल एकाग्र हो जाए, ध्यान से सुनना। आत्मा सहज तृप्ति स्वरूप है। हाँ भाई, बाहर में तृप्ति मिली आज तक? कितने रसगुल्ले खा के कहते हो भैया अब अनंत काल तक नहीं खाएंगे, बोलो जो भी तुम्हें लेना, आप जो जो नाम लेना, तुम बताओ कौन सा कपड़ा ऐसा जैसे पहनकर तुम तृप्त हो जाते हो, बोलो। ध्यान से सुनना, 5 इंद्रियों के विषयों में आज तक एक भी माई का लाल तृप्त नहीं हुआ। और सुनो, 11 वर्ष के बालक कुंद कुंद स्वभाव संपदा को पा करके ऐसे तृप्त हुए, क्या अनंत काल सिद्धालय में भी रहेंगे लेकिन किसी की कामना नहीं करेंगे। तृप्ति का मतलब समझे, तृष्णा, तृष्णा समझते हो, तृष्णा का विलोम है तृप्ति। क्या बोला, तृष्णा का विलोम, विलोम समझते हो, अपोजिट क्या है, तृप्ति। तो तृष्णा कैसे कहते हैं, जहां चाह, चाहे माने तृष्णा, चाहे माने तृष्णा, तृष्णा समझते हैं, कमाने की तृष्णा, कमाने की चाह, बस शब्दार्थ। अभी आत्मा में लगाओ, ओहो स्वरूप में ऐसे रमे कि स्वरूप में रमने की भी चाह नहीं है। क्या कहेगा जल्दी से, स्वरूप में ऐसे रमे, स्वरूप में रमना कौन चाहेगा जो रम नहीं पाता, स्वरूप में रमना कौन चाहेगा जो रम नहीं पा रहा, तो फिर तृष्णा हो गई वो तो, लेकिन गए तो निकले नहीं, उपयोग आत्मा से बाहर निकला ही नहीं, ये तृप्ति हो गई। तृप्ति का मतलब समझ आ गया, ऐसी कोई चीज है जिसे कंटिन्यू खा सकते हो, पहन सकते हो, कोई चीज बताओ, कोई चीज सुन सकते हो, नहीं इसका अलावा तृप्ति नहीं मिल सकती वहां। तो ये आत्मा को जानने के बाद, ध्यान सुनना, तृप्ति का मतलब आत्मा को जानने के बाद विश्व में कुछ जानने लायक नहीं बचा। दो अर्थों में कह रहा हूं मैं, विश्व में आत्मा को जानने के बाद कुछ जानने लायक नहीं बचा, जानने लायक नहीं था नंबर 1, और जानने में आ गया नंबर 2। क्या कहे, जानने लायक का क्या अर्थ हो गया, तो जानने लायक ही नहीं था कोई, जानने लायक तो आत्मा ही था। आत्मा को जानने के बाद पहला अर्थ हो गया जानने लायक नहीं लगा कुछ, दूसरा अर्थ कि जानने में सभी तो आ गया, अब जानना बचा क्या। अब बोलो तृप्ति कहां से आएगी, फिर से पूछ रहा हूं, तृप्ति कहां से आएगी,
मिथ्या दृष्टि की दौड़ मालूम है डॉक्टर, मिथ्या दृष्टि की दौड़, पंखा लाइट चली गई तो गर्मी आ गई एकदम, पंखा चला गया, एसी भी चला गया, लाइट नहीं थी तो एकदम पसीना पसीना हो गया। फिर उसने कहा एक काम करो, अपन पसीने को सुखाने के लिए बाहर चलते हैं। कहाँ जा रहे हैं? बाहर धूप में, धूप में अपने आप पसीना सूख जाएगा धूप सूरज से, अपन दौड़ेंगे तो हवा टकराएगी। काय से सूखता कपड़ा? हवा से और धूप से। काय से सूखता क्यों? काय से सूखता है? तो एक काम करना, तुम लोग बाहर जाके दौड़ना गर्मी के दिन में, हाँ धूप भी क्या होगा बोलो अनादिकाल से ऐसा काम चल रहा है, ये तृप्ति के नाम पर तृष्णा कर रहा है। कुछ बोला? क्या बोला? तृप्ति के नाम पर नहीं, नहीं, 1 करोड़ में शांति नहीं मिलेगी, 10 करोड़, 10 करोड़ नहीं, 100 करोड़, 100 करोड़ नहीं। हाँ तृप्ति मिलेगी? नहीं मिलेगी। भारत का सबसे भाग्यशाली व्यक्ति भिखारी, बिल्कुल पैसा नहीं हो भरपेट भोजन मिलता उसे, अम्बानी सबसे अभागा, खाता 2 रोटी है, भिखारी से भी कम खा पाता है, भिखारी को तो पच जाती खूब, इसको पचती नहीं। क्यों नहीं पचती वो आप समझते होगे, एसी में रहना है काम, मेहनत है नहीं, पसीना बहना नहीं, मेहनत है नहीं, जो बेचारा उतनी पचा सकता है। और उसके गजब बात है, 2 रोटी खाने वाले इतना कमाता है। हाँ भाग्यशाली कौन? यहाँ तो कह दो कम से कम। अब दूसरी बात करूं, भाग्यशाली हो सकता है भिखारी लेकिन पुरुषार्थी नहीं। दिगंबर मुनिराज पुरुषार्थी हैं, इस पृथ्वी तल पर दिगंबर मुनिराज पुरुषार्थी हैं। एक टाइम थोड़ा सा अल्प आहार लेकर के केवल ज्ञान का पुरुषार्थ करते हैं। हाँ दुखी हैं कि सुखी? अभी अभी मैं जानता हूं आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी आज का प्रवचन पहचाने के लिए, समझ में आ रहा है कुछ? बोलो भाई, तुम अपनी बहन की शादी ऐसे घर में कर सकते हो जहां मोबाइल ना हो? परीक्षा टेस्ट, आप अपनी कन्या का विवाह ऐसे घर में कर सकते हो जहां टीवी ना हो? शीतल अब परेशानी है ना, फ्रिज ना हो, कूलर ना हो, रेफ्रिजरेटर ना हो, और बोलो क्या क्या, गैस चूल्हा तक नहीं पंडित जी, गैस चूल्हा तक फूकना पड़ती हो शीतल बोलो तुम क्या कहना चाहोगे, ये घर कितना सुखद है? पंडित जी नरक में पटक देंगे लेकिन ऐसे घर में नहीं पड़ेंगे क्या हो इनके घर में कुछ है ही नहीं। बॉम्बे के सेठ लोग अमाइन आते थे पंडित साहब के पास, तो पहले आते से तो एकदम शांति लगती थी एकदम, तो पंडित साहब से कहते साहब एक बात है, यहाँ तो बड़ी शांति है, ऐसा मन करता है यही रहे। पंडित साहब रह जाओ। अब दोपहर में लाइट चली गई, लाइट रहती नहीं अमाइन में ज्यादा, एसी कूलर की व्यवस्था नहीं है, एक पंखा की व्यवस्था है थोड़ी बहुत, तो लाइट ही चली गई। अब बेचारे बड़े दिन भर भाई या तो पंखा चले या तुम चलाओ वो दिन भर चलाते रहे सिर, बाहर निकले तो कहीं होटल वोटल नहीं कोई व्यवस्था नहीं, कोई गार्डन नहीं, कुछ नहीं। 2-3 दिन बाद पंडित साहब से बोले एक बात है, यहाँ पर पिछड़ा हुआ इलाका है पंडित साहब ने कहा भैया ये पिछड़ा इलाका इसीलिए तो शांति है, यदि यहाँ फैक्ट्रियां होती तो फिर कोलाहल होता, यहाँ बहुत अच्छी सड़कें होती तो खूब ट्रैफिक का जो आवाज तुम्हें सिटी में मिलती है। अभी यही आपकी जगह अभी वहां होती मेन रोड पे तो प्रवचन पी 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 आवाज आती रहती, यहाँ बैठे इसलिए शांति से बैठे हो। होटलें होती तो फिर दारू पीने वाले भी होते, माँ बहन वाले भी होते, लड़ाई झगड़ा वाले भी होते, चकल्लस भी हो रही होती, बहुत बड़ा अच्छा पैसे वाला क्षेत्र होता तो फिर नशाखोरी का माल भी बिक रहा होता, वो जो बिकता रहता है। शांति इसीलिए तो है,
बोलू पूछू सिद्धालय में शांति क्यों है? बोलो बोलो सिद्धालय में शांति क्यों है? व्यवहार से पूछ रहे, निश्चय से तो सवाल ही नहीं। सोच के समझ गए? अरे रे तुम नहीं समझ पाओगे सच में। आपको कितना कठिन प्रवचन है आज का, शब्दों में तो सरल लगेगा लेकिन हमारी जो हैबिट पड़ी है, जो पर्याय की वृत्ति पड़ी हुई है, वो हमें मुनिराजों के सुख की कल्पना भी नहीं करने देती। फिर से बोलू क्या कहा मैंने? मुनिराजों के सुख की कल्पना भी। मीरे एक घटना सुनाता हूँ, घटना माने ग्रंथ आगम की एक बात। मुनिराज केस लॉन्च करते हैं और खून निकल आता है, जलन भी होती है, तो होगी केस लॉन्च करेंगे तो खून निकलेगा तो जलन भी होगी। आप बता सकते हो उस समय मुनिराज को साता वेदनी का उदय है या असाता वेदनी का? मीरेन बोलो, खून निकल रहा है, जलन हो रही है, हाथ से बाल खींचने पड़े, एक दो घंटे लग जाते हैं पूरे। इधर का तो चलो ठीक है, इधर के खींचो, इधर के बहुत तकलीफ। हाँ तो बोलो भाई, साता वेदनी का होता है कि असाता वेदनी का होता है? अब पक्के में उल्टा उत्तर दोगे तो सीधा हो जाएगा वो। सारी दुनिया उसे असाता मानती है और ग्रंथों में लिखा है वो साता वेदनी का होता है। अब किसी के दिमाग में हो सकती है बात? इसीलिए मैं कह रहा हूं मुनिराजों के उपसर व परिचय के काल में साता वेदनी किसको समझ में आएगी? क्या कह रहा हूँ, फिर से बोल रहा हूँ, क्या कह रहा हूँ? दिगंबर मुनिराजों के जीवन में उपसर्ग, परिचय, अंतराय, अंतराय समझते हो, पार नहीं हो पाया। बोलो उन्हें साता का उदय है कि असाता का उदय? ये लाइन आपको बिल्कुल बदल देगी सारी। एक्चुअली हम अभी, अब मैं उत्तर दृष्टांत दे देता हूँ, बिना दृष्टांत के मैं नहीं समझा पाऊंगा। पक्के में आपके दिमाग में खचित है कि असाता, और मैं कह रहा हूँ साता, ठीक है? बहुत बढ़िया, अब दृष्टांत दे दूंगा तो जल्दी समझ में आ जाएगा। एक आदमी की जिंदगी में एक सोच हो गई कि बिना दवाई खाए तो किसी का पुण्य का उदय आ ही नहीं सकता। मैं इतना पुण्यशाली हूँ, इतने बढ़िया बढ़िया डॉक्टर है मेरे पास, सुबह टेस्टी कैप्सूल, दोपहर में टेस्टी टेबलेट, दोपहर में साइरप, और इतने बढ़िया डॉक्टर, एक एक करोड़ के यंत्रों से मेरा चेकअप। क्या जिंदगी है मेरी, इतना बढ़िया सुख तुम्हारे भाग में कहाँ है? क्या कहना है बोलो विकास? ऐसे सुख का उदय चाहिए? बोल भाई, ऐसा पुण्य का उदय चाहिए? अरे मजा आ जाएगा, सुबह से शाम तक डॉक्टर चेकअप कर रही है और दवाइयां खिला रहे मीठी मीठी प्रभु बिल्कुल ऐसी स्थिति है। ये तेरे को पांच इंद्रिय का विषय है, ये दवाओं के स्थान पर है, और आत्मा में अतृप्ति तृष्णा ये रोग के स्थान पर, तृष्णा रोग, क्षुधा रोग, तृषा रोग, है ना, 18 प्रकार के। अभी तुमने इनकी हैबिचुअल हो गए हो कि ये सब है तो अच्छा है। अब मैं फिर पूछ रहा हूं, जो व्यक्ति को एक भी दवाई खाने की जरूरत नहीं पड़ रही उसे साता का उदय है, या जैसे दवाइयां खानी पड़ रही ये साता का उदय? बोलो भाई, अब मैं फिर पूछता हूँ, बोलो भाई, डॉक्टर का मिलना ये पुण्य का उदय है या डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ना ये पुण्य का उदय? अब आगे चलो, एक कदम और आगे। ओहो तो पांच इंद्रियां भी नहीं है, पांच इंद्रियों के विषय भी नहीं है, अब मेहनत करनी पड़ेगी। हमारे दिमाग में तो ये दिख रहा है ना 24 घंटे, तो हम इसे साता और सुख मान के बैठ गए। मिथ्यात्वे, क्या कहा मैंने, क्या है? पांच इंद्रियों के विषयों में सुख और साता मानना क्या है? जोर से बोलो, ये तो हम तो मान ही नहीं। चंदू भाई आज तो फंस गए वरना। बोलो सम्यक दर्शन चाहिए? देखो पंडित जी, अनुकूलता मत हटाना, बाकी चाहिए। नहीं नहीं बिल्कुल धारणा पक्की, अभी भी अंतर में ऐसे ही लगता है हम चेहरा घटाने तैयार नहीं होंगे, घट जाए तो गुस्सा आ जाता है। लड़ाई क्यों मच जाती है? तुमने मेरी थाली में इतनी सी खीर क्यों दी? इतनी सी खीर उसको इतनी, मेरा लड्डू छोटा माई, बड़ा मिले तो
एक जरा सा इंद्री का विषय, एक इंद्री का विषय जरा घटते देखना। बोलो बोलो भाई, दो साड़ियां खरीद के लाए, एक 50,000 रुपये वाली, एक 51,000 मान लो, चलो 50,000 51,000। साड़ी में कोई खास अंतर नहीं दिखाई देगा ऊपर से, तो 50 हो 51, बस कहने की बात है बस। लेकिन आप छोटी लाड़ी को 50 की दे दो, बड़ी लाड़ी को 51 की दे दो, इसके बाद जीवन भर इतना बैर हो सकता है, देख देख करके जेलेसी, देख देख करके जब देखो जब इनको बड़ा देते हैं, हमको छोटा देते हैं, इनको बड़ा देते हैं, हमारे ये भी तो कमाते हैं, छोटे तो क्या हुआ, पूरी जिंदगी टसल, आराम से नरक में मिल सकते हैं। काय के लिए, काय के लिए पता ही नहीं, काय के लिए क्या फर्क पड़ता है, क्यों कपड़े का प्रयोग क्या होता है, कपड़े का लक्ष्य क्या होता है, 51,000 की 50,000 ये ढांकना, बोलो क्या कह रहे, समझो अच्छी तरह से, सरस है प्रभु आत्मा सरस है, लेकिन समझाना कठिन पड़ता मेरे को, क्यों हम पांच इंद्र के विषयों को सुख साता माने बैठे, इसका नाम है मिथ्यात्व। और जब तक इस सिर पे चढ़ रहा है तुम्हें मुनिराजों का सुख समझ में, अभी मेहनत है बेटे, मेहनत है, अभी कोई दीक्षा ले तो आपको कैसा लगे, दीक्षा ले रहे फिर मोबाइल नहीं चलाएंगे सबसे पहले दया आती है लोग। मैंने जब ब्रह्मचर्य लिया, नौकरी छोड़ी, तो मेरे पड़ोस में एक वैष्णव महिला रहती थी, दादी, वैष्णव दादी, परिवार था पूरा गुजराती परिवार था, तो वो रोने ही लगी, बोली तुम्हारी बुद्धि को क्या हो गया, लोग तो रिश्वत दे दे करके नौकरी लेते हैं, तुम्हें फ्री में मिल गई तो गर रहे हो, नौकरी छोड़ने से क्या तुम धर्म करो ना, कौन ने मना किया, धर्म करो। मैंने वो बेचारी बड़ी करुणा कर रही थी, क्यों करुणा कर रही थी, अब तुमने ब्रह्मचारी हो गई तो तुम गद्दों पे नहीं सो पाओगे, मोबाइल लैपटॉप टीवी पिक्चर फ्रिज कूलर पंखा, मतलब दुख दुख कहां से लग रहा है उसको, अब ये नहीं मालूम, फिर से समझ लो जैसे दवाओं के बिना वो करोड़ों की मशीनों से चेकअप कराए बिना मैं सुखी हूँ स्वस्थ हूँ, ऐसे ही आत्मा आत्मा के बल पर सदा तृप्त है, इसका नाम है सरस, इसका नाम है सहज तृप्ति, बराबर। आगे चलू, एक लाइन कहकर आगे बढ़ता हूँ, पंडित साहब का भजन याद आ रहा है, ये वो संयम की तरणी लेकर के कब भव पार करोगे, है ना भजन, है ना कालिंद कुमार जी का भजन, हमें बताओ यदि पांच इंद्रियों के विषयों का नाम सुख साता मानोगे तो फिर पांच इंद्रियों के विषयों के त्याग का नाम संयम कब मानोगे, कुछ कहा है मैंने, है कोई विचार, विचारणीय मुद्दा है, हम पांच इंद्रियों के विषयों को त्यागने को संयम कब मानेंगे, हम तो सुख के साधन छोड़ने का मान रहे हैं ना, तो हम तो दुखी हो जाएंगे, और इसीलिए हमको लगता है कोई नहीं छोड़ सकता, तेज हो गया एक, अच्छा बारिश बोलो कौन त्यागने के नाम पर ही लगता है कष्ट, आप लोगों को जैन धर्म सरल लगता है कठिन, सही बोलना पंडित जी, पूजा पाठ का नाम धर्म सही में बहुत अच्छा लगता है जी, व्यवहारावास का धर्म, पूजा पाठ करो छुट्टी, खाओ पियो मौज करो ना, मोबाइल का त्याग, मोबाइल में एक शब्द हो गया, पांच इंद्रिय की अनुकूलता त्याग ही नहीं पड़ती व्यवहारावास में, और जो निश्चय वाला धर्म बहुत बेकार है, निश्चय वाला धर्म सरल है कठिन है, लोग उल्टा कहते हैं निश्चय वाला धर्म कठिन है, मैं कह रहा हूं निश्चय वाला धर्म उन्हें लगता है सरल है, हम कह रहे कठिन, तुम्हारी भाषा में कह रहे ना कठिन, क्यों निश्चय वाला मार्ग कहता है प्रभु आत्मा अपने में, हाँ मैं हूं अपने में स्वयं कौन पर की मुझ में कुछ, इसी का है वो ट्रांसलेशन, ज्ञानन स्वभाव इसी का ट्रांसलेशन है वो, अरसरूपी अस्पर्शे, बराबर समझ आ रहा है कुछ, बहुत गहरे पार्ट है, इसमें 14 नंबर की गाथा समाई है, अस्पर्शी कहने का मतलब क्या है, मैं कर्मों को छूता नहीं, शरीर को छूता नहीं हूं, क्या कि जितना आनंद आ रहा है ना उसे कहने के बाद तृप्ति नहीं मिल रही, आप मेरी बात बिल्कुल नहीं पकड़ पाए हो इसलिए कह रहा हूं,
जब आत्मा कर्म को छूता ही नहीं है तो अपराधी कैसे हो गया? जब आत्मा शरीर को छूता ही नहीं है तो भोक्ता कहां से हो गया? कुछ कहा ना, समझ आए कुछ? तुम कह रहे आत्मा भोक्ता है, काय का लड्डू का भोगा क्या? अरे आत्मा ने शरीर नहीं छुआ तो भोगा कहां से? आत्मा ने शरीर नहीं, हाथ ही नहीं छुआ तो करा कहां से? तुम किस काम को करना मानते हो जो हाथ से कुछ किया? और हम कह रहे आत्मा ने हाथ ही को नहीं छुआ। बोले समझ में आया कि नहीं आया? पंडित जी ने पंखा चला दिया, कैसे माना तुमने कि मैं इस उंगली से स्विच ऑन करूं तभी तो? लेकिन भले आदमी, मैंने स्विच ऑन ही नहीं किया तो फिर मैं उसका कर्ता कैसे हुआ? ऐसे हाथ से कोई काम का कर्ता मानते हो और मैं आत्मा हाथ को स्पर्श ही नहीं करता? कुछ समझ आ रही कुछ गड़बड़ कुछ? बोलो तुम वाणी का कर्ता मुझे मानते हो, बराबर मानते कि नहीं मानते? मैं प्रवचन कर रहा हूं, लेकिन आचार्य देव तो कह रहे हैं आत्मा वाणी को स्पर्श नहीं करता, तो वाणी के कार्य को मेरा कार्य कैसे कह सकते हो? ये तो बताओ। समझे कुछ? क्या कह जा? तो अस्पर्शी कहने पर ऐसी बातें कहनी है? बोलो कर्मों का क्षय कर सकते कि नहीं? आज तो बोल सकते, कल ही बताए थे ना, कर्मों का क्षय कर सकते कि नहीं? क्यों क्यों नहीं कर सकते? वो तो जाएगी, होता ठीक, क्यों नहीं कर सकते? मेरा प्रश्न है, अत्यंता होने से, अत्यंता भाव होने से, अभी की भाषा में अस्पर्शी होने से, जब मैं उसे छूता ही नहीं हूं तो मैं उसका नाश करने वाला कैसे हुआ? कैसे हुआ? लोग व्यवहार से मैं आया और वो भागा, मैं आया और वो भागा। लोगों ने कहा भैया पंडित जी ने कौवा भगा दिया। मैंने नहीं भगाया, मैं तो छत पे दरवाजे खोल के गया था केवल, और कौवा देख के भाग गया। अब हम क्या करें बताओ? मैंने तो भागने का विकल्प तक, समझ में आ रहा है कुछ? जैसे छत पर मैं गया दरवाजा खोलकर, मेरे को तो विचार भी नहीं आया और फिर भी भाग गया। ए दृष्टा, ऐसे ही मैंने तो कर्मों को जानता भी नहीं, देखा भी नहीं, मेरे ज्ञान का विषय नहीं है कर्म। आठ कर्म कारमान शरीर मेरे ज्ञान का विषय नहीं है, लेकिन भी मैं जागा और मैं भागे, मुझे पता भी नहीं कौन सा कर्म भाग गया। कुछ कह रहा हूं, मुझे पता भी नहीं। इसके बावजूद लोग व्यवहार में यही कहने में आएगा कि पंडित जी ने कर्मों का नाश कर दिया। भाई तुम बदनाम करो तो करो, लेकिन मैं ना तो कर्मों का नाश क्यों नहीं किया? अभी की भाषा में अस्पर्शी, बहुत गरिश गरिश पार्ट है, इतने जल्दी खोल नहीं सकते इसको। वापस चलो। हाँ, आत्मा कैसा है? नीरस। कैसे है सरस? कैसे है सरस? दृष्टांत है, हम जल्दी जल्दी दृष्टांत बताओ। सीता रामचंद्र जी के साथ सरस थी कि नीरस थी? जंगल में, जंगल में कहीं कहीं गलती हो गई चित्रकारों से, पेंटिंग जो बनी है बहुत गलत बनी है कई जगह। जंगल का दृश्य है वनवास के समय का, और मुनिराज को आहार दान दे रहे, उस समय भी उन्होंने मुकुट पहना दी। ऐसा कहीं कहीं गलती है, कहीं कहीं तो गजब ही हो गया। वो धनुष टांगे और आहार दान दे। गुजरातियों में एक बहुत अच्छा शब्द चलता है, मुझे बहुत पसंद है, बहुत ही पसंद है। आप लोग भी बागड़ हो तो वो सरस आपको ही पसंद आएगा। सरस में बोल गया सरस, और कैम लागे थे बहु सरस। खाने के लिए सरस तो मैं समझता था, लेकिन फ्रेंड सर्किल सरस है, व्यापार एकदम सरस, पूजा एकदम सरस। तो इस प्रयोग मैंने केवल पहली बार गुजरात में सुना, मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हम और किसी को सरस कहते ही नहीं थे जिंदगी में। तब समझ में आया, ओहो आत्मा सरस है। क्यों? यदि वो सरस ना होता तो वन खंडादिक में रामचंद्र जी के साथ सीता इतने प्रसन्नता से कैसे रहती? आठ ग्यारह वर्ष का, आठ या ग्यारह वर्ष का बालक जंगल में रात भर मच्छर खा रहे थे और फिर भी मजे में। कल्पना कर सकते हो, आठ और ग्यारह वर्ष का बच्चा जंगल में, मुनि मुनिराज, और चार तरफ से मच्छर झूम रहे हैं, और वो सरस सरस है ना? कठिन है थोड़ी सी कल्पना, इसलिए आज का प्रवचन बहुत कठिन।
खूब मेहनत करो, अलिंग ग्रहण के बोलों पर खूब मेहनत करो। ये मिथ्यात को वज्र है, वज्र मिथ्यात को वज्र है जी, जो अभी की चर्चा है। हम अभी भी क्या करते हैं, ईमानदारी से बोलना, फिर से बोल रहा हूँ, एक बार बोल चुका, एक बार फिर, अंदर में हमें ऐसा लगता है पंडित प्रवचन सुना दो, बाकी आप त्यागने का मत कहना। त्याग कराना तो बहुत दूर की बात है, वो तो दूर है, त्याग की कहना भी मत, अंदर अंदर रहता है। हम ऐसा धर्म चाहते हैं जिसमें तत्व चर्चा भी जोरदार हो जाए और हमारा पुण्य का उदय भी सुरक्षित रहे, दुकानदारी चलती रहे। बोलूं कुछ खतरनाक बात, ध्रुव स्वभाव की चर्चा एक वज्रपात है, वज्रपात तेरा संसार का सत्य नाश हो जाएगा। क्या क्या सत्यनाश हो जाएगा? संसार मतलब दुकान का भी, फैक्ट्री का भी, पत्नी बच्चों मकान दुकान सब का, उनका नाश नहीं होगा, तेरा संसार उजड़ जाएगा। वे तो रहेंगे इस लोक में, लेकिन तेरे लायक कुछ भी नहीं रहेगा, तेरे लायक नहीं रहेगा, तू तो मोक्ष के लायक हो जाएगा। इतनी बढ़िया चर्चा है। चलो हाँ भाई बताओ, वो 25 साल की विधवा महिला के लिए सरसता कहाँ आएगी? सुविधा सब थी उसके पास, जैसे उसे सरसता नहीं लगती, और जंगल में कुछ भी नहीं था, सारे काम सीता को हाथों से करने पड़ रहे थे, झाड़ू पोंछा से लेकर के पानी भरने का काम, संवारने का काम, सारे रसोई बनाने का काम सीता को खुद अपने हाथों से करना पड़ रहा था, तो भी वे प्रफुल्लित थी, क्योंकि वो सरस थी। अब आप समझना ठीक, आगे चलो। सहज तृप्ति स्वरूप, सहज तृप्ति स्वरूप, तृप्ति का मतलब बता दिया, स्वरूप का मतलब कल बता दिया था, अभी अभी सहज, इसका चर्चा हालांकि पूर्व में बहुत ज्यादा की मैंने, सहज का नियम सहज में सहज की बहुत चर्चा है, उतनी तो मैं नहीं करूंगा, फिर भी थोड़ी सी बात कहूंगा आपके इशारे के लिए ठीक, नहीं तो आप जी कहो दृष्टांत बहुत देते हैं। तो सहज, सहज मतलब जिसके लिए विकल्प तक ना किया जाए उसका नाम सहज। सहज की परिभाषा क्या बोले, जिसके लिए विकल्प तक ना करना पड़े उसका नाम। कलेक्टर ने हमारी फाइल पास कर दी सहज, इसका क्या मतलब समझते हो, कि हमें एक बार भी फोन नहीं करवाना पड़ा नेता का, यही तो मतलब निकला ना। अब मान चलो अपने को प्रधानमंत्री का फोन लगवाना पड़ा, कलेक्टर को, नरेंद्र मोदी ने कहा भाई क्या कर रहे हो, यह एक परिवार तो अपना है, तो एक फोन लगाया अपन ने नरेंद्र मोदी को और नरेंद्र मोदी ने कलेक्टर को, और फिर उसने साइन कर दिया, आपका काम हो गया। बोलो सहज हुआ कि नहीं हुआ, समझ गया कि नहीं, माने एक विकल्प भी, पॉइंट पकड़ो, एक विकल्प भी ना करना पड़े और काम हो जाए इसका नाम सहज। और समझ गया हो तो समझ जाओ, सदगुरु कहें एक विकल्प तक नहीं करना पड़ा और सदुपयोग हो गया, एक विकल्प तक नहीं करना पड़ा वो सम्यक दर्शन हो गया, एक विकल्प भी नहीं करना पड़ा वो केवल ज्ञान हो गया, एक विकल्प भी, पंडित साहब की रचना बोलो, एक विकल्प भी बाधक मोक्ष मार्ग में बाधक है सिखलाते हो, बाहुबली भगवान की, अरे एक विकल्प भी मोक्ष मार्ग में बाधक है सिखलाते हो, बाहुबली में विकल्प था ना, तो केवल ज्ञान नहीं हो रहा है। नकुल सहदेव, नकुल सहदेव समझ गए, कहाँ गए नकुल सहदेव, मोक्ष कहाँ गए, सर्वार्थ सिद्धि, बाधक है। अब इस पे विश्वास जमाना कट है ना, अभी बोलो भाई, बोलू चंद तुमसे पूछ सकते हो, और कोई से तो भी पूछ सकते, आज से प्रतिज्ञा ले सकते हो मैं ध्रुव का विचार नहीं करूंगा, बोलो भैया धनपाल, सम्यक दर्शन प्यारा या विचार प्यारा, बोलो बहुत कठिन बता दीजिए, इसी पे अटैक करना था, इसी पे मैं करने तैयार हूँ, बोलो रियल कह रहा हूँ रियल। अब इतने क्वेश्चन खड़े होंगे मोए के, मुझे पता है, उसे सॉल्व करो, मेरे को भी हुए विचार तो करना पड़ेगा, निचली भूमिका तो है, अशुभ विचार से तो बढ़िया है,
माने हम विचारों की रक्षा कर रहे हैं। हम कौन की रक्षा कर रहे हैं? विचारों की रक्षा कर रहे हैं। खोटे ही दृष्टांत देता हूं, है तो अच्छे, कोई खराब नहीं है। पत्नी बोली पति से, तुम अमेरिका जा रहे हो तो चले जाओ, तुम्हारी फोटो दे जाओ। तो उसने पूछा, तुम मेरी फोटो चाहिए कि मैं चाहिए? फोटो चाहिए कि मैं चाहिए? बोलो भाई। अब कोई पत्नी होगी जो पति के सामने कह दे कि भाई देखो, जब तुम नहीं होगे तो फोटो ही काम आएगी, तुम मर जाओगे तो फोटो ही काम आएगी, समझो, याद आएगी तो क्या करें, पर तुम तो चले जाओगे अमेरिका, तुमसे ज्यादा काम की चीज है तुम्हारी। बोलो बोलो, हल्का मत लेना, बहुत गहरा दृष्टांत दे रहा हूं। पता नहीं क्यों हमें ध्रुव का विश्वास, विश्वास का मतलब विचार क्यों लगता है, विचार से हम श्रद्धा का नाता क्यों जोड़ते हैं, विचार से श्रद्धा का नाता टूटता है। पॉइंट पकड़ो, विचार से श्रद्धा का नाता टूटता है, होता नहीं। समझ में नहीं आई होगी अभी आपको ना, सिद्धांत से मेरी बात बोलता हूँ तो समझ में नहीं आता। दृष्टांत दूं, देखो दृष्टांत दूं, तुम्हारी पत्नी खो गई, किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, सबकी खो गई है, और फिर सबने रिपोर्ट लिखाई पुलिस थाने, फिर पत्नी मिल गई पुलिस वालों को, तो उन्होंने आपको कॉल किया, भैया आपकी पत्नी मिल गई, ले जाओ। फिर आपने बोला मैं विचार करूंगा। क्या मतलब निकला इसका? क्या उस समय थानेदार ये उत्तर सुनने की अपेक्षा रखता है? तो फिर उसे डांट के कहा, ओ मिस्टर, तुम्हारी पत्नी खोई थी कि नहीं? की यस। तुमने FIR की थी कि हाँ? तो मिल गई है तो आज क्यों नहीं रहे हो? अच्छा अच्छा आता हूँ। क्या करो, डर गया बेचारा, तो आ गया, अब थाने में आ गया, चेक करो, यही है, यस यही है, यस, तो ले जाओ। विचार करता, कुछ समझ में आ रहा है कुछ? क्या विचार श्रद्धा की विरोधी है, तो विचार की रक्षा मत कर, ध्रुव की रक्षा कर, सम्यक दर्शन के लिए ध्रुव की रक्षा कर। मैं ध्रुव हूं ना विचार करने की। बोलो, पति ने सुबह सुबह पत्नी से कोई बात की, अरे रुक जाओ, मैंने विचार ही नहीं किया कि आज तुम मेरे पति हो, आज आज विचार नहीं किया ना, एक घंटा सामायिक में, आज मैंने तुम्हारा विचार नहीं किया, इसलिए मैं पहले रुक जाऊ, पति हो बराबर हो, लेकिन थोड़ी देर विचार तो करने दो, तुम मेरे पति हो। शीतल कैसा लगेगा ये डायलॉग? अखर रही है ना? ऐसे ही प्रभु, सच कह रहा हूं मैं आपको, जब तक ध्रुव का निर्णय नहीं हुआ तब तक मिलेच्छों को मिलेच्छ भाषा में समझाते कि कर विचार तो पाम, और आगे जाके कहते कि निर्णय होने पर पाम, निर्णय होने के बाद विचार नहीं करना। कुछ कहा मैंने, निर्णय करने के बाद विचार नहीं करना। और देखो दृष्टांत, जल्दी समझ जाओ, इसलिए सगाई निर्णय हो गया, निर्णय हो गया ना, सगाई हो गया, तो उन्होंने फोन किया, बारात कब ला रहे हो? अब तुम बोलो विचार करूंगा, बोलो, सोच रहे इतने से विचार करूंगा क्या मीनिंग होगा भाई? अब ये क्यों कह रहे हैं विचार करूंगा? अब तो ये कहोगे कितनी देर में आओगे, कितनी, कौन सी गाड़ी से आ रहे हो, किस तारीख में, क्या, वो बोलो ना। अब ये क्यों कह रहे विचार करूंगा कि नहीं? बारात तो आएगी ही, लेकिन विचार करूंगा। आप समझ गए होगे, लड़की वाला समझ गया, जरूर इसे कुछ चाहिए, इसका तो बहुत एक्सपीरियंस होगा वीरेन, तुमको ना, यदि किसी कलेक्टर वलेक्टर ने तुम्हारे काम करते समय कहा कि मैं विचार करूंगा, तो आप वो समझ जाते हो आप कि जरूर इसे कुछ चाहिए। क्यों फिर विचार क्यों करेगा, जब ऑथेंटिक है, केवल साइन तेरे लगने हैं तो विचार क्यों करेगा? तो डॉक्टर साहब, वो जो क्या कहलाते, डॉक्टर नहीं, कलेक्टर है, जो भी अधिकारी होगा, आप चिंता नहीं करो, दिवाली पर भरपेट गिफ्ट देंगे, भरपेट मिठाई पहुंचा दूंगा, कोडवर्ड होता नहीं, कोडवर्ड, समझ में आया कि नहीं आया? अब यहां मैं पूछ रहा हूं आपसे, विचार करना कि नहीं, पूछ, सब सोचना बेटे, ध्रुव का विचार करना या नहीं करना। मैं बिल्कुल वस्तुपरक बात कह रहा हूं,
यदि है तो विचार क्यों, और विचार है तो है कि सत्ता में शंका है। बहुत बड़ी बात बोली थी, क्या कहा मैंने, यदि है तो विचार क्यों, और विचार है तो है कि सत्ता में शंका है। अभी आप कोई पूछ ले फोन पर, वीरेंद्र कोई पूछ ले, क्यों हमने सुना आपके सुमत प्रकाश जी हैं 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 है ना, भजन गाए हैं, और आप कहो कि हैं, मैं विचार करता हूं, बोलो तो क्या मतलब निकलेगा आपके, है कि सत्ता पे शंका है ना। हाँ हाँ एकदम बोल देंगे एकदम, कितनी देर लगेगी, क्यों फोन पर कोई पूछे सुमत प्रकाश जी हैं, हाँ हैं, बोलो कि वो उदयपुर कब आ रही, वो हम विचार करके बताते हैं कि सत्ता पे तो शंका नहीं है ना, हैं उदयपुर कब आएंगे ये हम बता देते आपको, पूछ के बताते, विचार करके बता देते कब सुविधा रहती है, होता है कि नहीं होता है। अब आप सोचना ध्रुव स्वभाव की सत्ता पर शंका तो नहीं है कभी, आज मुझे लिख के देना होमवर्क, लिखना विचार करने की आवश्यकता आचार्य ने कब तक कही, किसको कही, कहां तक, कैसे कही, और उसकी सीमा लिखो। मैं मना नहीं कर रहा हूं विचारों का, मैं विचारों का निषेध नहीं कर रहा हूं, लेकिन कोई सीमा तो होगी कि नहीं, हमें तो जब ध्रुव मिलता तो भी हम विचार करने लगते हैं। बिल्कुल ऐसी बात हो गई, नरेंद्र मोदी सामने खड़े और हम उसकी फोटो पे फूल माला चढ़ा रहे समझ आ रहा कि नहीं, ये दृष्टांत कायम पढ़ाया, याद है तुमको कहीं पढ़ाया ये दृष्टांत, ये दृष्टांत कहीं पढ़ाया अपने तत्वार्थ सूत्र पढ़ाते हैं, वो स्थापना निक्षेप आता है, स्थापना निक्षेप तो महावीर भगवान साक्षात विराजमान, साक्षात विराजमान है, फिर भी हम ठोना पे महावीर आए अत्र अत्र, याद आ गई नहीं आ गई, हम आएगी नहीं है, मैंने महावीर भगवान विद्यमान है सामने तथा कहा, और हमने एक थोना रख लिया और एक आतदाकार स्थापना भी करते हैं, महावीर भगवान है तदाकार, फिर आता था चावल में, चावल ऐसे महावीर भगवान अत्र अत्र त्रिष्ट त्रिष्ट ठा ठा, ये उपहास आगे समझ, उपहास अब ऐसे हाजरा स्वामी जी की भाषा, हाजरा हजूर विद्यमान अच्छे क्या चाहे, समझ में आ रही कि नहीं भैया, तो सब कहते थे विचार करो, विचार करो का मतलब निर्णय करो, विचार करो का मतलब निर्णय करो, चलूं आगे चलूं, सहज का क्या मतलब बताया मैंने, विकल्प की, हाँ हाँ सम्यक दर्शन में विकल्प की जरूरत नहीं, तो आज से हम नहीं करेंगे, आज से हम नहीं करेंगे, हीरो अच्छी बेटा, हाँ अब मैं तेरे को देख के दर्शना दे रहा हूँ, तुमने सुना नहीं ना इसलिए अब सुना रहा हूँ, सुनना ध्यान से, कोई बात सुनना सभी लोग, यदि तुम्हारे पास चिंतामणि रत्न नहीं हो तो नौकरी का विचार करोगे, व्यापार या नौकरी कुछ ना कुछ करोगे ना विचार, कल्पना करो चिंतामणि हो तो, अब आनंद लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, व्यापार की नौकरी काहे का विचार करोगे, काहे का विचार करोगे, अरे जब चिंतामणि है अब तो समझ आएगा नहीं, तो फिर उसके सामने तो विचारों की जरूरत नहीं है, ऐसे ध्रुव भगवान आत्मा को पाने के बाद, कल के स्वरूप को सुनने के बाद, कल सुना सुनाया था द्रव गुण पर्याय द्रव छेद काल भाव से उसका स्वरूप जानने के बाद, अब हमें विचार करने को कुछ बचा ही नहीं, ठीक अब आगे चलो, अरूप होने पर, अरूप होने पर भी चिद्रूप, अरूप होने पर भी अरस अरूपी, अरस अरूपी, अरूप होने पर भी चिद्रूप चेतन रूप, पंडित दिखता तो है नहीं चिद्रूप, ये प्रॉब्लम सबको आ रही होगी ना, दिख जाती तो निपट जाता था, ये तो दिख जाती है गाड़ी, इसका रूप दिख जाता है, मंदिर का रूप दिख जाता है, मूर्ति का दिख जाता है, पंडित पता नहीं कौन से अदृश्य दुनिया की बातें कर रहे हो चिद्रूप, ठीक उत्तर दूं क्या कह रहे हैं, अरूप होने पर भी चिद्रूप, हा हा बहुत कठिन गाथाओं का अर्थ है ये सारा, कठिन इसलिए कि वो हमारे हैबिचुअल नहीं है इन चीजों में, जल्दी सुनो
चेद रूप माने जानने वाला रूप, कठिन मत करो, जानन 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 है तुम्हें, तुम्हारी सेंसेशन में आ रहा है जानना, इसी का नाम चेद रूप, इसी का नाम चेद रूप है। जानने की फंक्शन चल रहा है कहीं, चल रहा है कहीं बोलो, तो यही चेद रूप है, कठिन नहीं है बिल्कुल। अब आगे चलो, मिथ्या दृष्टियों को लगता है इतनी बढ़िया दुनिया नहीं होती तो अपने आत्मा का क्या होता, और मैं कहता हूं आत्मा में ज्ञान नहीं होता तो इतनी बड़ी दुनिया कहां से आती। बोलो, यदि एक बीरेन इंटेलिजेंट नहीं होता तो इतनी फैक्ट्री और क्या क्या करा है मुझे पता नहीं है, एक कॉलेज ये सब ये चल जाता, तो ज्ञान का कमाल से सब चल रहा है या वो सब है तो उससे हमारी महिमा है। अज्ञानी पॉइंट, अज्ञानी अरे भैया और इनका परिवार का तो बड़ा देखो देखो, वे उधर से इनकी महिमा मानते हैं, और जैन शासन कहता है यदि यहाँ ज्ञान नहीं होता तो। बोलो भाई, मोबाइल से ज्ञान की महिमा है या ज्ञान के कारण मोबाइल आया आविष्कार, दुनिया के जितने भी निर्माण दिख रहे हैं निर्माण, उसके पीछे एकमात्र चित्रूप का कमाल है। बोलो, हवाई जहाज, रॉकेट, अंतरिक्ष, मंगल मिशन, इनके पीछे कौन का कमाल है? ये है वो चिद्रूप। तुम्हें लगता है चिद्रूप में कोई दम ही नहीं बेचारे में, यदि इतना बढ़िया एसी कूलर पंखा ना होता, इतनी बढ़िया दुनिया नहीं होती, इतनी बढ़िया लैपटॉप मोबाइल गूगल। जब मैं बॉम्बे वगैरह जाता हूँ तो बच्चे विद्यार्थी अपने आते हैं, ये अपने अपने युवक लोग बड़े गर्व के साथ कहते पंडित जी गूगल का कमाल, सब कुछ एट ए ग्लांस, सब कुछ, मतलब बड़ी महिमा के साथ कहते हैं, माना सर्वज्ञ मिल गया उन्हें। तो मैं उनसे पूछता हूँ ये बताओ गूगल को जान करके सर्वज्ञ कितने हो गए? बोलो भाई, मैं पूछता हूँ कितने सर्वज्ञ हो गए? बोलो भाई, एट ए ग्लांस गूगल में सब कुछ है ना, तो मुझे बताओ दो जेनरेशन बाद की चौबीसी के नाम बताओ, धात की खंड के तीर्थंकरों का नाम बताऊ, बताओ ना क्या दिक्कत। बोलो भाई, मैं पूछ रहा हूं बारहवें स्वर्ग में फला फला जगह पर कौन सा इंद्र राजा हुआ है, क्या बताएगा ये? अनंतवा का अनंतवा भाग भी नहीं है गूगल, जो तुम जिसकी महिमा में डूबे बैठे हो। स्वर्ण, तेरे एक समय का चित्रूप की पर्याय, एक समय के चित्रूप में तीन लोग तीन काल खचित दिखाई देता है। बोल, ज्ञान की महिमा है कि गूगल की महिमा है? अभी खुद ही तोड़नी पड़ेगी, खुद ही तोड़नी पड़ेगी, और कोई नहीं तोड़ेगा। हमने जितनी नकली इमेज खड़ी की है वो खुद ही तोड़नी पड़ेगी, और तोड़ो वोड़ो कुछ नहीं, केवल अपनी महिमा करो कि मैं ध्रुव। अभी क्या बात बोली? चिद्रूप हूँ। क्या बोला अभी? चिद्रूप हूँ। कल कहेंगे अव्यक्त होने पर भी व्यक्त, ये प्रॉब्लम है ना आपकी, दिखता तो है ही नहीं। तो आज तो बता दिया कि पूरे विश्व में जो कुछ आप देख रहे हो वो सारी महिमा तेरे ही चिद्रूप की है, तेरे ज्ञायक की है, तेरे तुम्हारे कोई बच्चे का नाम चिद्रूप था ना छोटा, है ना? हाँ, आजकल दिख नहीं रहा। अच्छा, समझ आ रहा है? बच्चे का नाम याद आ गया चित्रूप से। हाँ भाई, समझ में आ रहा है? कुछ सहजानंद जी का भजन याद आ रहा है, चित्रूप हमारा तेरा ही सहारा, चेतन के महल में चित्रूप हमारा, इसके बिना नहीं गुजारा। अच्छा अच्छी पंक्तियां उसकी, इसके बिना नहीं गुजारा, विचार करना। ओम नमः शिवाय।